ई नॉमिनेशन की तिथि ईपीएफओ ने बढ़ाई। ईपीएफओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दी है। अंशधारक कभी भी सुविधानुसार कर सकेंगे नॉमिनेशन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ खातों में नॉमिनी अपडेट करने की तिथि जो है बढ़ा दी है। पहले ई नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई थी। ईपीएफओ ने चेतावनी दी थी कि 31 दिसंबर तक ई नॉमिनेशन नहीं हुआ तो कर्मचारियों को 7 लाख रुपये के इंश्योरेंस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ईपीएफओ ने 29 दिसंबर को अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके बताया है कि अब 31 दिसंबर के बाद भी पीएफ अंशधारक ई नॉमिनेशन कर सकते हैं। हालांकि ईपीएफओ ने इसमें विलंब नहीं करने की अपील की है। ट्वीट में बताया गया है कि अब ई नॉमिनेशन के लिए कोई डेडलाइन नहीं है। अंशधारक कभी भी अपनी सुविधा अनुसार इसे कर सकते हैं। ई नॉमिनेशन के लाभ ईपीएफओ के अनुसार नॉमिनी अपडेट करने से पीएफ निकालना, ट्रांसफ़र करना, पेंशन और इंश्योरेंस सुविधा का लाभ ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेंशन क्लेम का त्वरित समाधान भी हो जाएगा।